अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डेट इज़ राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा कि इनके टर्म्स जो है ना उनको ऐड करना है। अब ऐड का मतलब ये नहीं कि हर किसी को ऐड ही कर देना, जहाँ पे नेगेटिव साइन आपको नज़र आएगा वहाँ पे उसको माइनस का साइन के साथ लिखना है। प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था कि वो अलजेब्रिक फॉर्म में थी, हमने उसे सेपरेट किया था। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज सेपरेट हुई हैं ऑलरेडी, हमने इसको एडिशन कह लें या एडिंग द टर्म में लिख देना, एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एडिंग टर्म के साथ। अब वो कैसे लिखेंगे, आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को प्लस के साइन के साथ लिखना है, लेकिन जहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है वहाँ पे आपने माइनस का साइन मेंशन कर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट एक्स है तो आपने एक्स मेंशन किया, नेक्स्ट आपने इस कोमा की जगह प्लस लिखना है, बट अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो आपने क्या लिख देना है साथ, माइनस वाई, बिकॉज इसी माइनस को साथ अटैच कर देना। अब इस तरीके से अब नेक्स्ट देखिए आप एल, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव साइन नहीं है, सो क्या पॉजिटिव हुआ प्लस एम। अब नेक्स्ट को आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस एन है, तो अगर किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो साथ नेगेटिव लिख देना, अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव लिख देना। इस तरीके से यहाँ पे है एल एम, नेगेटिव है सो नेगेटिव एम एन, यहाँ पे भी नेगेटिव है सो नेगेटिव बाय एल। कुछ ऐड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट उस फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे टू ए बी, कोई साइन नहीं, नेगेटिव साइन नहीं है सो प्लस फोर ए सी, यहाँ पर नेगेटिव साइन है सो माइनस थ्री बी एंड सी, फिनिश। ठीक है, अब आपने अगेन में रिपीट करवा देती हूँ कि जहाँ पे भी पॉजिटिव साइन, जहाँ पे कोई साइन नहीं होगा वहाँ पे पॉजिटिव का साइन लिख देना, प्लस का साइन, जहाँ पे नेगेटिव साइन होगा वहाँ पे नेगेटिव साइन ऐड, मतलब उसके साथ लिख देना, कोमा हटा कर, कोमे नहीं लिखना, रिमूव कर देने। ठीक है, ये अब आपका आज का लेक्चर था। अब आपका होम असेसमेंट टास्क ये है कि आपने इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने करने हैं, उनकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।